9 फरवरी 2024 पेश है आज की खास खास खबरें। भारत का तनु में एहतियात का मंत्र जामा, तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं, वजीर आजम मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा रात को कहा कि भारत का तनु में एहतियात का मंत्र इतना जामा है कि इसमें तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी ने जोर देकर कहा कि तरक्की और वर्षा मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कलीदी जरिए स्कीमों के सालाना एक्शन प्लान को मंजूरी दी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने जुमा रात को जरात और बागबानी के शुभों की तरक्की के लिए मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों CSS में से कुछ के सालाना एक्शन प्लान AAP को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई यूटी सतह की कमेटी की मीटिंग की सदारत की। श्रीनगर में आग की भयानक वारदात से रिहायशी मकान खाक तसर। टारगेट किलिंग में मालूस अनासर को बेनकाब करने के लिए लोग आगे आए, अल्ताफ बुखारी। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जुमा रात को कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो उठें और मासूम शहरियों के कत्ल के पीछे अनासर को बेनकाब करें। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में ऐसे वकात होते हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। बुखारी ने श्रीनगर में एक तकरीब में शमूलियत के मौका पर नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह अफसोसनाक और शर्मनाक अमल था। भारत मियां नमार सरहद पर आजादाना नकल व हरकत का निजाम खत्म, अमित शाह। बडगाम में करंट लगने से नौजवान जान बहक। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में जुमा रात को एक नौजवान की करंट लगने से मौत वाका हो गई है। पुलिस राय ने बताया कि अशफाक अहमद भट्ट वल्द गुलाम अहमद भट्ट सतना हरदो सोरश गांव खाग को खान साहिब इलाके में बिजली का करंट लगा, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया है। मुल्क अमृतकाल में खुशहाली की नई बुलंदियों को छू रहा है, वजीर आजम मोदी। सोपोर में धमाका खेज मवाद और गोला बारूद बरामद, पुलिस। राजीव ओम प्रकाश पांडे ने DIG वस्ती कश्मीर का ओहदा संभाला। राजीव ओम प्रकाश पांडे ने जुमा रात को DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज का चार्ज संभाल लिया।